विदिशा जिले के ग्यारसपुर में स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी गजेंद्र सिंह रघुवंशी पूर्व सरपंच ग्यारसपुर की स्मृति में खेले जा रहे टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल मुकाबले के साथ समापन किया गया, जिसमें 64 टीमों ने भाग लिया और अंत के 4 टीमें सेमीफाइनल पहुंची और 2 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें हातमगढ़ की टीम विजेता रही। आयोजन समिति के अध्यक्ष द्वारा 21,000 रुपये और ट्रॉफी दी गई। उपजेता MCC ग्यारसपुर को नगद 7,501 और ट्रॉफी दी गई। हातमगढ़ ने पहले खेलते हुए 100 रन बनाए और MCC ग्यारसपुर केवल 75 रन ही बना पाई। इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अध्यक्ष जितेंद्र विश्वकर्मा, आयोजक सुरेंद्र साहू, सीताराम साहू, उपाध्यक्ष राहुल कनौजिया, सचिव संतोष विश्वकर्मा और सभी आयोजन समिति के सदस्यों ने क्रिकेट टूर्नामेंट में अपना विशेष योगदान और MCC के सभी सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 12 फरवरी को इस मैच का शुभारंभ किया गया था। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। देखिए, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज मैं इसमें सम्मिलित हो पाई और मैं स्वयं भी क्रिकेट की बहुत प्रेमी हूँ और इसके कारण मैं ये कहूँगी कि जो जीते हैं वो जीते हैं, परंतु जो हारे हैं उन्होंने भी बहुत बढ़िया कोशिश की। और जैसा कि मैं अभी आप एंकरिंग कर रहे थे तो मैंने देखा आपको भी काफी अच्छा इंटरेस्ट है। थैंक यू ग्यारसपुर, बार बार आप करते रहे प्रशासन का सहयोग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।